देखो हम बात करते हैं एंटी हेलमेंथ की, एंटी निमोटोडल हो सकता है और एंटी प्लेटी हेलमेंथ हो सकता है। तो हम जानते हैं एल्बेंडाजोल और मेबेंडाजोल। सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इनकी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो होता है दे इनहिबिट फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूबुल। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात है दे वर्क बाय इनहिबिटिंग फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूबुल। अब एल्बेंडाजोल जो होता है वो बहुत सारी जगहों के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होता है, जैसे न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस के अंदर तो फर्स्ट लाइन थेरेपी ये होती होती है। ठीक है, एल्बेंडाजोल के साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो ये टेराटोजोनिक होती है, इसके अलावा ये बोन मैरो सप्रेशन कोज करा सकती है। एल्बेंडाजोल का ही एक असिस्टेंट होता है, इसका नाम है पाई रेंटल पामो 8। तो ये भी वही सब काम करता है जो एल्बेंडाजोल करता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट बात आती है आइवरमेक्टिन के बारे में, इम्पोर्टेंट बात आती है डाई एथिल कार्बामेजिन के बारे में, डाई एथिल कार्बामेजिन इसके बारे में। तो हमें याद रखना होगा कि आइवरमेक्टिन, देखो इसके लिए ये ट्रिक है, देखो ये एक स्केयर क्रो है तो मतलब एस्केरिस हो गया, इसके हाथ में ये विप है तो ये हो गया विप वर्म, इस पे बहुत सारी नीडल चुभी हुई है, पिन चुभी हुई है तो ये हो गया पिन वर्म। ठीक है, और देखो यहाँ पे एक हुक है तो ये हुक वर्म हो गया, और हुक से जुड़ा हुआ है एक थ्रेड तो थ्रेड वर्म हो गया। इन सब के बीच में कॉमन है बेंडाजोल। ठीक है, बेंडाजोल किस में ट्रीटमेंट होती है, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस में हेल्पफुल होती है, इसके अलावा इसमें 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 इन सब में भी हेल्पफुल होती है। इसके अलावा ये रहा इसका असिस्टेंट पायरेंटल पमोएट, जो क्या है जो भी इफेक्टिव होता है। इसकी ये आँख ख़राब है, क्यों, क्योंकि जो विप वर्म ने है ना इसको विप मारा तो उससे इसकी आँखें ख़राब हो गई, मतलब इसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। फिर हमने क्या देखा आइवरमेक्टिन, तो ये आइवरी टस्क वाला ये क्या है, एक एलिफेंट है, इसने अपने अपना जो ये टस्क है आइवरी उसको थ्रेड के अंदर चुबो रखा है। तो इससे हम ये ध्यान रखेंगे कि आइवरमेक्टिन जो होता है वो ड्रग ऑफ चॉइस होता है फॉर थ्रेड वर्म। अब थ्रेड वर्म के अंदर आता कौन सा है, स्पॉन्जिलियोसिस करके कोई आता है, स्ट्रोंगिलोइडिस, स्ट्रोंगिलोइडिस इस करके कोई इस तरीके से कोई आता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है तुमको। इसके अलावा वूचरिया बैंक्रॉफ्टाई और लोवा लोवा, इनके लिए DEC याद रखना है, डाई एथिल कार्बामेजीन, इतना आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एंटी। हाँ, इसके अलावा ये बची गया प्राजीक्वेंटल, प्राजीक्वेंटल ये किस में देते हैं, जो टेप वर्म्स होते हैं, इसके अलावा जो लिवर फ्लूक्स होता है उनके अंदर हम देते हैं प्राजीक्वेंटल। ऑल राइट, दिस इज़ ऑल यू नीड टू नो। देखो ये रहा प्राजीक्वेंटल, इट इज़ अ फर्स्ट लाइन थेरेपी फॉर मोस्ट टेप वर्म्स, लेकिन न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस के लिए क्या है, ये सेकेंड लाइन थेरेपी है, और ओकुलर सिस्टिक सर्कोसिस के लिए तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। प्रेसिडेंट से याद रखना प्राजी क्वांटल।